साथियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग समकालीन नाटक पढ़ रहे थे, तो आइए देखते हैं कि सुरेंद्र वर्मा प्रसिद्ध नाटककार हैं। इनके नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। द्रौपदी है, सेतुबंध है, नायक खलनायक विदूषक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का। आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद। आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ये हयात, सब सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। और इनका जो विषय है, जिसमें द्रौपदी का विषय है, महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय चित्रण किया गया है। सेतुबंध नाटक संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय कृत सेतुबंध नाटक के आधार पर लिखा गया है। और नायक खलनायक विदूषक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। और आठवां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के आठवें सर्ग पर आधारित है। छोटे सैयद बड़े सैयद मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के समय का इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है। एक दूनी एक इनका नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। शकुंतला की अंगूठी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के आधार पर है। और रतिका कंगन भी इन्हीं का नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। कैद ये हयात मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। कैद ये हयात किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का। जो इनका आठवां सर्ग नाटक है, आठवां सर्ग नाटक, इसमें देखिए कि यह प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली और हुसैन अली के नाम से प्रकाशित हुआ था। रमेश वछी आधुनिकतावादी विडंबना और विसंगति के नाटककार हैं। इनके जो प्रमुख नाटक हैं, जिसमें देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार। देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, यादों के घर, वामाचार, कसे हुए तार, किसका है? रमेश वछी का है। हमीदुल्ला एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके जो प्रमुख नाटक हैं, उसमें है उलझी आकृतियाँ। उलझी आकृतियाँ, ये पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का इसमें चित्रण किया गया है। उलझी आकृतियाँ हमीदुल्ला के नाटक में। दरिंदे नाटक हमीदुल्ला का है, इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर पशु का चित्रण किया गया है। उत्तर उर्वशी हर वार किसका है? हमीदुल्ला का है। उलझी आकृतियां दरिंदे, उत्तर उर्वशी और हर वार हमीदुल्ला का नाटक है। हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियां नाटक में तीन नाटक हैं, समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियां, ये तीन नाटक हैं। सन 1974 में प्रकाशित अमृत पुत्र नाटक सत्यव्रत सिन्हा का है और अमृत पुत्री हरिकृष्ण प्रेमी का है। अमृत पुत्र सत्यव्रत सिन्हा का और अमृत पुत्री हरिकृष्ण प्रेमी का है। विपिन कुमार अग्रवाल विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके तीन नाटक हैं जो कि एब्सर्ड नाटक हैं, विसंगति नाटक हैं, जिसमें तीन अपाहिज लोटन और खोए हुए की तलाश, तीन अपाहिज लोटन खोए हुए की तलाश। तो ये इनका जो तीन अपाहिज है, ये सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तीन अपाहिज लोटन और खोए हुए की तलाश, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि तीन अपाहिज लौटते हुए खोए हुए की तलाश कर रहे थे, क्योंकि अपाहिज चल पाएंगे नहीं, तो लौटते हुए खोए की तलाश कर रहे थे, तो ऐसे मिलाकर आप इसको पढ़ लेंगे ताकि आपको याद रहेगा। देखिए, सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार हैं। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार हैं। इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं, उसमें है सिंहासन खाली है, सिंहासन खाली है, बापू की हत्या, हजारवीं बार, अंधेरे के राही, नाग पास, चार यारों के यार, किसका है? सुशील कुमार सिंह का है। सिंहासन खाली है, बापू की हत्या, हजारवीं बार, अंधेरे के राही, नाग पास, चार यारों के यार, किसका है? सुशील कुमार सिंह का है। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। मणि मधुकर के जो प्रसिद्ध नाटक हैं, उसमें रसगंधर्व, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, इकतारे की आँख,
रस गंधर्व, तत्कालीन राजनीति, सामाजिक विसंगति का इसमें चित्रण किया गया है और बुलबुल सराय में आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। दुलारी बाई पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों, रूढ़ियों पर व्यंग है दुलारी बाई में। खेला पोलमपुर, स्वार्थ लोलुप, सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर इसमें संकेत किया गया है। एक तारे की आंख कबीर के जीवन पर आधारित है, कबीरदास के जीवन पर आधारित है। तो मणि मधुकर के नाटक है रसगंधर्व, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख। दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा के जो राजनीतिक नाटक हैं उसमें इतिहास चक्र, कथा एक कंस की, सीढ़ियाँ, ये तीन इनके राजनीतिक नाटक हैं। इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। दया प्रकाश सिन्हा के जो अन्य नाटक हैं जिसमें पंचतंत्र, ये बाल नाटक संग्रह है, और मन के भंवर, मन के भंवर, दुश्मन अपने अपने दांव, मन के भंवर, दुश्मन अपने अपने दांव, दया प्रकाश सिन्हा का है। ओह अमेरिका, सांझ सवेरे, मेरे भाई मेरे दोस्त, ओह अमेरिका, सांझ सवेरे, मेरे भाई मेरे दोस्त, किसका है? दया प्रकाश सिन्हा का है। सादर आपका, सादर आपका, दया प्रकाश सिन्हा का है। और इनका कथा एक कंस की, ये एकांकी भी माना जाता है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके नाटक हैं फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार। फंदी व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण किया गया है। घरौंदा दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन पर आधारित है। एक और द्रोणाचार महाभारत कालीन द्रोणाचार का पौराणिक मिथकीय चित्रण किया गया है। शंकर शेष का नाटक अरे मायावी सरोवर या पौराणिक आख्यानक पर आधारित है, पौराणिक कथानक पर आधारित है। रक्त बीज अपने अपने, बंधन अपने अपने, किसका है? शंकर शेष का है। रक्त बीज, बंधन अपने अपने, शंकर शेष का है। बंधन अपने अपने व्यक्ति व समाज के दोहरे चरित्र का इसमें चित्रण किया गया है। कोमल गंधार महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर, कोमल गंधार पोस्टर, किसका है? शंकर शेष का है। अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गंधार और पोस्टर। खजुराहों का शिल्पी, इसमें काम व आध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण किया गया है। बिन बाती के दीप आधी रात के बाद, बिन बाती के दीप आधी रात के बाद, किसका है? शंकर शेष का। मुद्रा राक्षस प्रसिद्ध नाटककार हैं। इन्होंने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी में अनुवाद किया था आला अफसर के नाम से। और मुद्रा राक्षस के जो अन्य नाटक हैं उसमें तिलचट्टा, योर्स फेंथफुली, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं और संतोला। क्या क्या है? तिलचट्टा, योर्स फेंथफुली, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। ये मुद्रा राक्षस के नाटक हैं जिसमें तिलचट्टा, स्त्री पुरुष के यौन कुंठा का इसमें चित्रण किया गया है। कई बार परीक्षा पूछा गया है। योर्स फेंथफुली केंद्रीय कर्मचारियों के हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता एवं स्वार्थपरता का इसमें चित्रण है। मर्जीवा वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियत का इसमें चित्रण किया गया है। तेंदुआ मानव की पार्श्विक प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है तेंदुआ में। और प्रथम प्रस्तुति भी इनका नाटक है मुद्रा राक्षस का। आला अफसर, आला अफसर तो इंस्पेक्टर जनरल का अनुवाद है। इंस्पेक्टर जनरल रूसी नाटककार गोगोल का नाटक है। और गुफाएँ द्विपात्रीय प्रयोगात्मक नाटक है। संतोला वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच में नए समाज की कल्पना किया गया है। किसमें? संतोला में। उसके बाद देखिए कि मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा की को क्या कहा है? हाशिए की भाषा।
गिरिराज किशोर के नाटक हैं नरमेध, बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, गांधी जी को फांसी दो, ये किनका अन्य नाटक है जो 2010 में प्रकाशित हुआ था। तो गिरिराज किशोर के नाटक है नरमेध, बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, गांधी जी को फांसी दो, ये सब किसके हैं, गिरिराज किशोर के नाटक हैं। जिसमें बादशाह गुलाम बेगम, तो ये जो बादशाह गुलाम बेगम है ये सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण किया गया है इसमें। और प्रजा ही रहने दो महाभारत के कथानक पर आधारित है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे, व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का इसमें चित्रण किया गया है। और केवल मेरा नाम लो, केवल मेरा नाम लो फ्रायडीय मनोविज्ञान पर आधारित ईडिपस ग्रंथि से पीड़ित इसमें व्यक्ति का चित्रण किया गया है। जुर्म जुर्म आयद, यह भी किसका है, गिरिराज किशोर का है। इसमें न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण है। काठ का तोप या व्यंग नाटक है गिरिराज किशोर का। इसमें काठ का तोप गिरिराज किशोर का व्यंग नाटक है। गिरिराज किशोर कृत नरमेध का संबंध, डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं कि नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटल कचुअल्स नाटक है। तो नरमेध के बारे में गिरीश रस्तोगी लिखती हैं कि यह आधुनिक बोध से उपजा इंटल कचुअल्स नाटक है। और पांचवा सवार नाटक बलराज पंडित का है। पांचवा सवार बलराज पंडित का है। इसमें बूढ़े समाज की समस्या पर यह आधारित नाटक है। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर यम गाथा नाटक की रचना की। यम गाथा किसका है, दूधनाथ सिंह का है। और इसका विषय है उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक आख्यान पर यह आधारित है। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की। हत्या एक आकार की किसका है, ललित कुमार सहगल का है। पूर्वार्ध किसका नाटक है, शिवमूरत सिंह का है। डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक की रचना की। एक प्रश्न मृत्यु डॉक्टर विनय का काव्य नाटक है। असगर वजाहत ने इला की आवाज़ किसका है, असगर वजाहत का नाटक है। ब्रिजमोहन शाह व्यंग एवं विसंगति बोध के नाटककार हैं। ब्रिजमोहन शाह, इनके नाटक हैं त्रिशंकु। किसके, ब्रिजमोहन शाह के नाटक हैं त्रिशंकु, सहय मात और युद्ध मन। त्रिशंकु इनका व्यंग समस्या नाटक है। सहय मात विसंगति बोध का नाटक है। युद्ध मन युद्ध की विवस्ता, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्ति की स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्स और तल्ख नाटक है। सहय मात हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है। रामेश्वर प्रेम ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की, जिसमें चारपाई राजा नंगा है कालपात्र। रामेश्वर प्रेम का है। अज्ञात घर अंतरंग कैंप किसका है, रामेश्वर प्रेम का है। शस्त्र संतान लोमड़ वेश रामेश्वर प्रेम का नाटक है। लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दि फॉक्स या वालपोन का हिंदी रूपांतर है। नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटक हैं
कहें कबीर सुनो भाई साधो, या कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित है। सिंहधारी, सिंहधारी कौन थे? नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन सिंहधारी थे। सिंहधारी नाटक किसका है? नरेंद्र मोहन का है। कलंदर, कलंदर नाटक नरेंद्र मोहन का है। या सूफियों के मस्ती आज़ादी का इसमें चित्रण किया गया है। अनो मैंस लैंड नाटक हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है। नो मैंस लैंड और कलंदर नरेंद्र मोहन का है। अभंग गाथा, अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का नाटक है, इसमें संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है। और यम गाथा दूधनाथ सिंह का नाटक है। अभंग गाथा किसका है? नरेंद्र मोहन का नाटक है। नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। नो मैंस नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। शरद जोशी व्यंग नाटककार हैं, शरद जोशी व्यंग नाटककार हैं। इनके जो प्रमुख नाटक हैं, बैगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी। बैगन की नाव, एक था गधा और अंधों का हाथी किसका है? शरद जोशी का। सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। सन 1986 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की। नंदकिशोर नवल, आचार्य नंदकिशोर के नाटक हैं देहांतर, पागलघर, हस्तिनापुर, जिल्ले सुभानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमिदम यक्षम। किसका है? आचार्य नंदकिशोर का। देहांतर में ययाति शर्मिष्ठा देवानी एवं पुरु की पौराणिक कथा पर आधारित है। पागल घर काल्पनिक नाटक है। हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित है। जिल्ले सुभानी मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित है। जूते अरेबियन नाइट की लोकप्रिय कथा पर आधारित है। गुलाम बादशाह बलबन के जीवन पर आधारित है। किमिदम यक्षम मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। समकालीन नाटकों में कृष्ण बलदेव वैद्य प्रमुख नाटककार हैं। समकालीन नाटकों में कृष्ण बलदेव वैद्य प्रमुख नाटककार हैं। इनके जो प्रमुख नाटक हैं उसमें है भूख आग है, हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। भूख आग है यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया एक बूढ़ी स्त्री की इसमें त्रासदी का चित्रण किया गया है। सवाल और स्वप्न स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है। और जो इनका हमारी बुढ़िया नाटक है ये इनकी कहानी बुढ़िया की गठरी पर आधारित है। नाग बोडस प्रमुख नाटककार हैं। इनके जो नाटक हैं खूबसूरत बहू, वसीहत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी और बेचो तेल, ये सब नाग बोडस के नाटक हैं। खूबसूरत बहू ग्रामीण जीवन पर आधारित है। वसीहत इनका नाटक है और दलित नाटक के अंतर्गत एक नाटक अब कहने की बारी है, एक नाटक और चलता है दलित नाटक के अंतर्गत। तोता झूठ नहीं बोलता ये सर्कस की दुनिया पर आधारित इनका नाटक है। और पढ़ो फारसी बेचो तेल ऑस्ट्रेलिया के बिट गेंस्टाइन का के जीवन पर आधारित है। पढ़ो फारसी बेचो तेल। और स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके जो नाटक हैं नाटक बाल भगवान, नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, सब स्वदेश दीपक के नाटक है। इसमें नाटक बाल भगवान लेखक की इसी शीर्षक से कहानी भी है। अकोर्ड मार्शल फौजी जीवन की सच्चाई है। इसमें जलता हुआ रथ शोषक एवं शोषित के बीच संघर्ष का दर्द है। सबसे उदास कविता वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी कलाकार की पीड़ा का इसमें चित्रण किया गया है काल कोठरी में। राजेश जैन व्यंग नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके जो प्रमुख नाटक हैं उसमें वायरस और विषदंत, विषवंश, वायरस और विषवंश नाटक किसका है? राजेश जैन का है। और असगर वजाहत के जो नाटक हैं उसमें है फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीरगति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमियाई नहीं,
ये इनका नाटक है असगर वजाहिद का, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमियाई नहीं, और अकी गोड से गांधी काम, अकी गोड से गांधी काम, पाकेट मार और रंगमंडल असगर वजाहिद का नाटक है। फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीरगत समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमियाई नहीं, अकी गोड से गांधी काम, पाकेट मार, रंगमंडल, ये सब असगर वजाहिद के नाटक हैं। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंगात्मक नाटक है। प्रताप सहगल ने दो नाटकों की रचना की, अन्वेषक और नहीं कोई अंत। अन्वेषक नहीं कोई अंत किसका है? प्रताप सहगल का है। अन्य जो कुछ प्रमुख नाटककार हैं जिसमें खंडित यात्राएं नरेश मेहता का है, रोटी और बेटी नरेश मेहता, सुबह के घंटे नरेश मेहता। खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे नरेश मेहता का है। और शंभू की हत्या नरेंद्र कोहली, शंभू की हत्या नरेंद्र कोहली। मारा जाए खुसरो रमेश चंद्र शाह, मारा जाए खुसरो रमेश चंद्र शाह का है। काला पहाड़ सुदर्शन चौपड़ा का है। क्रीडनक पृथ्वीनाथ शास्त्री का है। अश्वत्थामा लक्ष्मीनारायण भारद्वाज का है। घोड़ा घास नहीं खाता अजीत कुमार पुष्कल का है। जहर जनता का सेवक, जहर इनका एक नाटक जहर, दूसरा है जनता का सेवक, ये कणाद ऋष भटनागर का है। और चिरंजीत का नाटक है तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में, तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में चिरंजीत का है। उसके आगे देखिए कि घाटियां गूंजती हैं शिवप्रसाद सिंह का, अधूरी आवाज़ कमलेश्वर का, पेपर वेट रमेश उपाध्याय का, काला मुंह गोविंद चातक का, जादू जंगल राजेश जोशी, तमाशा राम कुमार भ्रमर, कुरुक्षेत्र का सवेरा जयशंकर त्रिपाठी, चाय पार्टियां संतोष कुमार नौटियाल का है, दीप से दीप जले सत्र प्रकाश सेंगर का है। घाटियां गूंजती हैं शिवप्रसाद सिंह, अधूरी आवाज़ कमलेश्वर, पेपर वेट रमेश उपाध्याय, काला मुख गोविंद चातक, जादू का जंगल राजेश जोशी, तमाशा राजकुमार भ्रमर, कुरुक्षेत्र का सवेरा जयशंकर त्रिपाठी, चाय पार्टियां संतोष कुमार नौटियाल का, दीप से दीप जले सत्य प्रकाश सेंगर का है। और देखिए कि जो कुछ अनूदित नाटक हैं जिसमें शकुंतला का अनुवाद तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, शकुंतला कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है, और रत्नचंद प्लीडर ने भरमजालक के नाम से अनुवाद किया है कॉमेडी ऑफ एरर्स नाटक का, मुद्रा राक्षस ने आला अफसर नाम से अनुवाद किया है गोगोल के नाटक का, और रघुवीर सहाय ने बर्नम वन के नाम से अनुवाद किया है ये विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद, जो कि अंग्रेजी में था, बर्नम वन के नाम से किया है। विष्णु प्रभाकर ने वंदनी नाटक नाम से अनुवाद किया है, ये प्रभात कुमार का देवी नाटक है बंगला भाषा में, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का। और रामेश्वर प्रेम ने लोमड वेश का जो अनुवाद किया है वो इनका वेन जॉनसन का दिफाक्स या बालपोनी का नाटक, मतलब इनका वेन जॉनसन का नाटक है दिफाक्स या वालपोनी।